भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सीएम भूपेश बघेल को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस के दो मंत्रियों ने बीजेपी पर हत्या और साजिश करने का आरोप लगाया है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इतिहास रंगा पड़ा हुआ है, सब जानते हैं नाथूराम गोडसे किस संगठन से जुड़े हुए थे, जयराम घाटी की घटना कैसे घटी है, इनका इतिहास भी यही है। इनका इतिहास रंगा पड़ा है, सब जानते हैं नाथूराम गोडसे किस संगठन से जुड़ा हुआ था, सब जानते हैं जयराम घाटी घटना कैसे घटी, तो इनका इतिहास ही यही है। और अभी प्रदर्शन किए, जब सत्ता में थे तब भी मेरे शासकीय निवास में चप्पल जूता फेंकने का काम किया, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, कालिक पोतने का काम किया, आज विपक्ष में तब भी वही काम कर रहे थे। इस प्रकार की हरकतें वो करते रहते हैं, उसका आदत में उनके साथ शामिल है, उसके कार्यक्रम में शामिल है।